समोसा बनाएंगे जिन्हें हम लंबे समय तक रखकर स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो आइए मिनी समोसा बनाना शुरू करते हैं। मिनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा से आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। हमने इस कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून हमने घी तेल लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हमने नमक लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हमने अजवाइन लिया है। तैयार कर लेते हैं। तो आइए इन सब चीजों को हम मिक्स करते हैं। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। हमें आटा ज्यादा सख्त नहीं गूंथना है। जैसे नॉर्मल समोसे के लिए हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमने इसको भी उसी तरह से गूंथना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। यह हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हमने आटा सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया है। अब जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम समोसों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। सेव ली है हमने 1 कटोरा। हमने 1 कटोरा सेव ली है। आप इसकी जगह आलू भुजिया गाठिया या मूंग दाल कोई भी नमकीन ले सकते हैं। जैसे मैंने साथ में नमकीन मिक्सचर लिया है 1 छोटी कटोरी। फिर 1 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ का पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च लिया है। और तेल लिया है हमने इन सभी मसालों को फ्राई करने के लिए। और मसालों के साथ हमने हींग भी ली है। हींग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं भी। अब हम इन दोनों को हल्का दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने सेव को पीस कर तैयार कर लिया है। हल्का दरदरा पीसना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे इन सब मसालों के साथ। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो सबसे पहले हम तेल डाल लेते हैं। यह हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। 1 चुटकी हींग डालना है हमें, ज्यादा नहीं डालना है। अब हम सारे मसालों को धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे।
हमें इसे ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है, बस एक मिनट। अब हम हमारा मिक्सचर जो हमने दरदरा की था उसे डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक चम्मच शुगर पीसी हुई डालेंगे ताकि इसमें टेस्ट और अच्छा आए। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। यह इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। तो आइए हम अब इसे थोड़ा मसल लेंगे। अब इस आटे से हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। अब हम आटे का टुकड़ा उठाकर समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आटे को थोड़ा मसल कर छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इसे हम पेड़े की तरह बनाकर लंबा बेलेंगे। तो आइए बनाते हैं। इसे हम समोसे जैसे नॉर्मल समोसा बनाते हैं वैसे ही बेलेंगे, थोड़ा लंबाई में बेलेंगे। तो हम मिनी समोसा बना रहे हैं इसलिए हमें छोटी पूरियां बनानी है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब हम पूरी को दो भागों में काट लेंगे। अब इसके एक भाग को इस तरह से हथेली पर रखेंगे। अब हम आधे भाग पर पानी लगा देंगे। अब इस पानी लगे भाग पर दूसरे भाग को चिपका देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम कोन बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने कोन बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। हमें एक चम्मच स्टफिंग डालनी है, इतनी स्टफिंग डालनी है जो समोसे में आसानी से आ जाए। हम इसे इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे और अब इसे चिपका देंगे, इसके किनारों को चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाना है ताकि तलते वक्त टूटे ना। हमारा मिनी समोसा भी बन गया है। अब हम इसे ऐसे ही हम बाकी सारे समोसे ऐसे ही बना देंगे। ये हमने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इन्हें तल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे अब तेल भी हल्का गर्म हो चुका है। तो आइए हम समोसे तलते हैं।
एक एक करके हम समोसों को तेल में डालेंगे। समोसों को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और इसे स्नैक्स के रूप में खाएं। तो बहुत ही अच्छे समोसे बने हैं और आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।